हेलो नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। मित्रों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में भोले बाबा की कृपा से बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से आज का दिन योग बनने वाले हैं, आज का दिन किस प्रकार से रह सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन होंगे और अपने बड़े व्यापार व्यवसाय और करियर लव लाइफ एवं स्वास्थ्य में किस प्रकार रह सकते हैं, आपके लिए किस प्रकार नौकरी पैसा वाले जातकों के लिए अनुकूल कहा जा सकता है, किस प्रकार आपके दैनिक दिनचर्या में परिवर्तनशील योग बनेंगे और आपके जीवन में रंग भरने वाले हैं, खुशियां छाने वाली हैं, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करने से आपके लिए शुभ और बेहतर हो सकता है, जीवन में सारी मुसीबतों से जाल आपको किस प्रकार मिलने वाले हैं, किस प्रकार आपके जीवन में तमाम दुख तकलीफें सभी समस्याओं से छुटकाराएं पा सकते हैं और आर्थिक स्थिति को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। आज आपको बताएंगे कौन से महत्वपूर्ण सावधानी बरतने के जरूरत और अनुकूल कहा जा सकते हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही तुत मुहैया करवाने वाला दिन साबित होगा तथा सारे कार्य में आपको सफलताएं मान सम्मान स्मृति में बढ़ोतरी कर सकेंगे। आपको पूरी जानकारी देंगे विस्तार से, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार से रोजाना राशिफल प्राप्त हो सके और अपने आने वाले दिनों को और भी इससे ज्यादा सुख और बेहतर बना सके। जो भी माता के भक्त हैं वह सारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। जय माता दी, जय भोले बाबा। तो मित्रों, आज का दिन अनुकूल कहा जा सकता है क्योंकि आपके द्वारा बचाया गया धन आज आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। आज अपने व्यक्तिगत कार्यों में काफी व्यस्त रहने वाले हैं। आपका पूरा ध्यान अपने महत्वपूर्ण काम को निपटाने तथा आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाने में केंद्रित रहेगा। मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप का भी दौरान भी रहेगा। आपको कोई खूबसूरत उपहार भी मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। बिना मतलब की दूसरों की परेशानियों में हस्तक्षेप ना करें, इससे आपका कोई भी नुकसान हो सकता है। किसी भी नकारात्मक परिस्थितियों में अपना आपा ना खोने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। वरिष्ठ व्यक्तियों को अपनी सेहत के प्रति ज्यादा सजग रहने की जरूरत हो सकती है। मशीनरी कारखाने आदि से जुड़े व्यवसाय में प्रोजेक्ट उत्पादन में कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अपने कार्यस्थल के आंतरिक गतिविधियों पर भी नजर रखें। आपकी कोई योजना लीक हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका भारी भरकम नुकसान हो सकते हैं। पति पत्नी के संबंध उचित रहेंगे परंतु किसी विपरीत लिंग की वजह से आपके संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं। तनावपूर्ण परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तिगत आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकते हैं तथा टेंगों में और घुटनों में दर्द जैसी समस्याएं रह सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी हानिकारक होंगे। थोड़ी सावधानी आपको विशेष सफलताएं प्राप्त करवाएंगे। आपका संतुलन तथा सकारात्मक स्वभाव की वजह से परिस्थितियों में आपको विचलित ना होने देगा और बेहतर संबंधजनक बनाकर रखेंगे। इस वजह से अपने कार्यों को बेहतर रिजल्ट भी प्राप्त कर सकेंगे। घर में मेहमानों तथा रिश्तों को मित्रों के आवाजाही भी रहेंगी। किसी भी नकारात्मक बात को सुलझाने में गुस्से और वाणी का प्रयोग ना करें, बेहतर होगा कि बेकार की समस्याओं से दूर रहें। इस समय ग्रह स्थितियां ज्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से उचित समय का इंतजार करना ठीक ठाक रहेगा। सरकारी लोगों तथा उच्चधारियों के संबंध खराब ना करें, इसका असर काफी व्यापारिक गतिविधियों पर भी पड़ सकते हैं। आज ऑर्डर मिलने में कुछ कमी आ सकते हैं जिसकी वजह से आय के स्रोतों में भी कम रह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सौंदर्यपूर्ण रहेगा। परिवार में डिवलिंग और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाने के आप लोगों के लिए अति आवश्यक हो सकते हैं। ज्यादा भाग दौड़ की वजह से नसों में खिंचाव और सीजन जैसे दिक्कतें महसूस हो सकते हैं। युवा और व्यायाम पर ध्यान देना अति उचित हो सकता है जो कि आप लोगों के लिए बेहतर और शुभ हो सकते हैं। आप जीवन में विशेष सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति बढ़ता आकर्षक आपको केवल उनके संक्रात्मक बातें हैं दिखाई देगा। ये केवल आकर्षक है या इंपोर्शन एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। बात अवलोकन करना भी बहुत जरूरी हो सकते हैं। आज का भाग्यशाली अंक रहने वाली है 2। भाग्यशाली रंग केसर या पीला होंगी। आज के दिन यह उपाय से आप जीवन में विशेष सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, पितरों के नाम से भैरव बाबा में आर्थिक सहयोग करें, आर्थिक दान दें जो कि जीवन में आप विशेष सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मुकाम तक पहुंच जाएंगे जो आप जीवन में ऐसे सपने में भी ना सोचा था। आपको बेहद ही इनामों वाला दिन रहेगा। घर बैठे कुछ लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं जो कि बेहद ही अच्छे और रुचिले होंगे। आपके गृह
में शुभकारी हो, मंगलकारी हो। जय मां बिंदुवासिनी, जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा, जय।